अगर आप पराठे के आप शौकीन हैं तो आपने पुराने दिल्ली की पराठे वाली गली के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास किसी जगह रहते हैं तो आपने पुराने दिल्ली के पराठे वाली गली के पराठे भी खाए होंगे। जब दिल्ली में हमने फूड कवर किया था तो मूलचंद के पराठे का जायका हमने आप तक पहुँचाया था। उसके बाद फिर मोदी नगर से एक पराठे का जायका हमने आप तक पहुँचाया था, महाराजा शिकंजी रेस्टोरेंट का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा जायका था। इस वक्त हम मेरठ के अंदर हैं, हम देखते हैं मेरठ के पराठे का कैसा जायका है। नेटवर्क 15 पर आप देख रहे हैं सफर जायके का द जर्नी ऑफ टेस्ट। जायके के सफर की सीरीज में हम मेरठ आए हुए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ के खास जायके। इस वक्त मैं मेरठ रुड़की रोड पर हूँ, ये मेरठ के आउटस्कर्ट्स का इलाका है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या रुड़की की तरफ जाएंगे तो नेशनल हाईवे 58 पर तो मिलान सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर आपको पराठा एक्सप्रेस नज़र आएगा। अभी तक हमने मेरठ में जितना भी फूड कवर किया है उसके अंदर हमने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट को कवर किया है, ऑलमोस्ट हर तरह के फूड को हमने कवर किया है। ये पहला आउटलेट है जहाँ से हम पराठे का जायका आप तक पहुँचाएंगे। हम देखते हैं मेरठ के पराठे का कैसा जायका है। मेरे साथ हैं पराठा एक्सप्रेस के ओनर मिस्टर रजनीश। आई एम रजनीश जी से बात करते हैं, जानते हैं जगह की खासियत के बारे में। रजनीश जी, मुझे सबसे पहले तो बताइए पराठा एक्सप्रेस ये नाम आपने कहाँ से सोचा, कैसे सोचा इसके लिए और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब बेसिकली पराठा एक्सप्रेस हमने जो नाम सोचा ये कोई ऐसा नहीं था कि कहीं से हमने ढूंढा। ये मतलब ये जो हमारी बेल्ट है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, पराठा एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर कोई पसंद करता है, हर कोई खाना चाहता है। तो हमने पराठा को एक ब्रांड बना के कि चलो पराठे को एक ब्रांड बनाते हैं, इसमें मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का ही वो था, और फिर हमने इसको पराठा एक्सप्रेस नाम दे दिया क्योंकि हमारे पास इतनी रेंज है पराठे की कि वो मतलब एक एक्सप्रेस से कम नहीं है कि जिसके अंदर इतनी सारी रेंज अवेलेबल होती है, वेज नॉन वेज दोनों तरह के पराठे। तो पराठा जो है हमारा USP है, लेकिन हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों तरह के स्नैक्स और ग्रेवी आइटम्स में भी डील करते हैं हम लोग। तो आपने नॉन वेज पराठा भी यहाँ पर रखा है? नॉनवेज पराठा है और नॉनवेज पराठे में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। मतलब जस्ट आप सोचें क्योंकि कई लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई चिकन काली मिर्च पराठा भी होता है या चिकन मलाई टिक्का पराठा भी मिल सकता है। हम लोगों ने चिकन मलाई टिक्का पराठा, चिकन चीज़ पराठा, मतलब चिकन में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं पराठे के जो पसंद भी करते हैं लोग और खुश होकर खाते हैं। पराठा बिल्कुल एक नॉर्थ इंडियन, प्योर नॉर्थ इंडियन आइटम है। इसके साथ जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे आपने पिज़्ज़ा पराठा बनाया है और उस तरह के पराठे का एक्सपेरिमेंट किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका कैसा रिस्पांस है यहाँ पर? रिस्पांस बहुत अच्छा है। असल में जैसे आजकल आपको पता ही है बच्चे जो हैं पिज़्ज़ा के पीछे काफ़ी दीवाने हैं, मतलब दे आर फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा। तो हम लोगों ने ऐसी, मैं और हमारे जो शेफ है, हमने मिलके करा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए बच्चों के लिए कि बच्चों को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो हमने उसमें करा काफ़ी R&D करने के बाद और कुछ अलग अलग सब्स्टिट्यूट ऐड करने के बाद फिर अभी हम पिज़्ज़ा पराठा, मतलब इट्स अ वेरी गुड पराठा विच वी आर सेलिंग। अपार्ट फ्रॉम पराठा और कौन से ऐसे आइटम्स हैं आपके जो यहाँ पॉपुलर हैं स्नैक्स में भी और मेन कोर्स में भी? अगर हम वेज में बात करें तो वेज में हमारा पनीर मलाई टिक्का, वेज सीख कबाब और आपका सोया टिक्का मसाला, ये हमारे स्नैक्स में बहुत अच्छे आइटम है। ग्रेवी में अगर आप बात करें तो पनीर लबाबदार, मलाई कोफ्ता, नवरत्न कोरमा, ये हमारे बहुत अच्छे चलने वाले हैं। और दाल मखनी इस पूरे मतलब एरिया में बड़ी बात नहीं करता, लेकिन दाल मखनी भी जो हमारी खाता है दे अप्रिशिएट दाल मखनी। दाल तड़का तो अपनी ट्रेडिशनल है ही और बहुत अच्छा उसका एरोमा है और बहुत अच्छा उसका टेस्ट है। तो हमारा स्वीट डिश में भी पराठा ही आता है, दैट इज़ कोकोनट खोया पराठा या बादामी खोया पराठा, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्वीट डिश है। नॉर्मल गुलाब जामुन रसगुल्ला तो हर कोई खाता है, लेकिन जो कोकोनट खोया पराठा और जो आपका हमारा बादामी खोया पराठा वो भी अल्टीमेट है सर।
अगर कोई घर पे डिलीवरी मंगाना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल? काफी अच्छा ऑप्शंस है, लाइकवाइज अभी यहाँ पे इस एरिया में जोमेटो डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है, स्विगी के साथ भी हमारा टाई अप है, और हमारा अपना पर्सनल डिलीवरी नेटवर्क भी है। तो जनरली क्या होता है कि लोग घर पे ज्यादा मंगाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने अपना डिलीवरी नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग रखा हुआ है। दो हमारे पार्टनर्स हैं, स्विगी और जोमेटो, और पर्सनल हम खुद डिलीवरी करते हैं। सराउंडिंग 4 किलोमीटर्स में हम लोग डिलीवरी करते हैं, उसके ऊपर जो डिलीवरी है वो सारी जोमेटो या स्विगी के थ्रू होती है। अच्छा, तो स्विगी और जोमेटो कितने एरिया को डिलीवर करते हैं? दे डिलीवर अराउंड 7 किलोमीटर्स, अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। मेरे साथ हैं पराठा एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव शेफ धन सिंह नेगी। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आप पराठे जो बनाते हैं, पूरी रेंज है आपके पास पराठे की, जिसमें आप स्नैक्स से लेके और डेजर्ट तक पराठे बनाते हैं, तो इन पराठों की खासियत क्या है? पराठे हमारे स्पेशल हैं, तंदूरी पराठे, चूर चूर और स्वीट में मीठे पराठे, बहुत ही टेस्टी है, अलग डिफरेंट टेस्ट है, कभी आओ खाओ, बहुत बढ़िया। कि आपके जितने भी ये पराठे की जो पूरी रेंज है, इसमें से सबसे ज़्यादा लोग कौन सा पराठा पसंद करते हैं? आलू प्याज लहसुनी। अच्छा, आलू प्याज लहसुनी पराठा, जो बिल्कुल बेसिक पराठा होता है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विवेक यादव हूँ। अच्छा डॉक्टर विवेक, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आप पास में ही रहते हैं यहाँ पर, या पास में आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ सरदार वल्लभ पटेल मेरठ की जो है उसमें साइंटिस्ट हूँ मैं। अच्छा, तो जब भी खाने का मन होता है तो यहीं पराठा एक्सप्रेस पे इसी आता हूँ। और थोड़ा सा अपने रिसर्च के बारे में बता दीजिए, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी? मैं राइस पे काम कर रहा हूँ, उसमें जो है थोड़ा वैरायटी डेवलपमेंट हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं, और राइस यील्ड कैसे इन्हांस की जाए उस पर जो एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट हो सकते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके राइट, सो इनके जो पराठे हैं, इनके पास एक कंप्लीट रेंज है पराठे की, जहाँ पर आपको स्नैक्स से लेके मेन कोर्स और उसके बाद फिर आपको डेजर्ट में भी पराठा मिलेगा। तो ये सारे पराठे जो आपने यहाँ पर टेस्ट किए होंगे, इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? आलू प्याज और लहसुन वाला पराठा बहुत अच्छा है इनका, बाकी सारे सारे अच्छे हैं इनके तो जो भी है, और बाकी इनका जो नॉनवेज है वो भी बहुत टेस्टी है। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही बहुत स्पेशल है, और ख़ास करके पराठा है दोनों, और ये एक ऐसी स्पेशल रेस्टोरेंट है जिसमें मतलब नॉन वेज पराठे आपको मिलेंगे और पूरे मेरठ में कहीं नहीं मिलते, इतने स्पेशल जो टेस्टी भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और सब फैमिली के सब लोग पसंद करते हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स, जो लोग भी मेरठ में रहते हैं, अगर हम उनको सजेस्ट करें कि पराठा एक्सप्रेस आके वो एक ऐसा आइटम जो ज़रूर टेस्ट करें, वन आइटम टू डाई फॉर, तो वो एक आइटम क्या होगा? चूर चूर पराठा। इस वक्त मेरी टेबल पर पराठा एक्सप्रेस का पिज्जा पराठा है। अगर आप उत्तर भारत के किसी भी शहर में रहते हैं तो नाश्ते में अक्सर आप पराठे खाते होंगे। मुख्तलिफ तरह के पराठे हमने मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखे हैं। अगर आप पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जाएंगे, पराठे वाली गली में, तो आपको फ्राइड पराठा मिलेगा। साउथ दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आपको मूलचंद का पराठा मिलेगा जो बहुत मशहूर है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हाईवे पे निकलेंगे, छोटे शहरों के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर पराठे को मक्खन के साथ खाया जाता है, वाइट बटर के साथ पराठा खाया जाता है। ये जो पराठा है इनका पिज़्ज़ा पराठा, ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। पिज़्ज़ा एक इटालियन फूड है, पराठा एक प्योर इंडियन फूड है। इंडियन पराठे का इटालियन पिज़्ज़ा के साथ ये कॉम्बिनेशन कैसा है, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ इस पिज़्ज़ा पराठे का जायका। साथ में इसके रायता है और थोड़ी सी दाल मखनी है। कमाल का कॉम्बिनेशन है ये, लाजवाब जायका है पराठे का। खासियत इसकी है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं,
उसके अलावा जो दाल मखनी है, दाल मखनी ये बहुत उमदा है, बहुत बैलेंस स्पाइसेस इसके अंदर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, रायता बहुत फ्रेश है, इस पूरी डिश का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है। हमने दिल्ली से मुख्तलिफ तरह के मोमोज के जायके आप तक पहुँचाएँ, कुरकुरे मोमोज का जायका करोल बाग से और तंदूरी मोमोज का जायका अमर कॉलोनी से हमने आप तक पहुँचाया। अब मैं देखता हूँ पराठा एक्सप्रेस के तंदूरी मोमोज, इनका कैसा जायका है, साथ में कुछ थोड़ी सी मेयोनीज है, जो मोमोज की चटनी होती है रेड चटनी वो है, ग्रीन चटनी है, ग्रीन मिंट सॉस है। पराठा एक्सप्रेस के चिकन तंदूरी मोमोज बहुत बढ़िया है। यहाँ पर इनके पास पूरी रेंज है पराठे की, और जैसा कि इसका नाम है पराठा एक्सप्रेस, तो पूरी रेंज इनके पास पराठे की है। उसके साथ इनके पास चूर चूर नान भी है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फ्लेवर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इनके पास ऐसे आइटम्स हैं जो मुझे टेस्ट करने थे, इसलिए मैंने पराठे में सिर्फ पिज़्ज़ा पराठा टेस्ट किया है। अब मैं देखता हूँ कि इनका मेन कोर्स में दो आइटम्स हैं मेरे सामने, एक तो इनका चिकन चंगेज़ी है और एक दाल मखनी है। दाल मखनी हमने इससे पहले मोदी नगर में खाई थी, वो भी बहुत उम्दा दाल मखनी थी। मेरठ के अंदर हमने बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड जॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन चंगेज़ी चिकन हमें कहीं नहीं मिला। मैं देखता हूँ पराठा एक्सप्रेस का चंगेज़ी चिकन और दाल मखनी का कैसा जायका है। ब्रेड्स में मेरे पास तंदूरी रोटी है, लच्छा पराठा है और बटर नान है। मैं शुरुआत करूँगा चंगेज़ी चिकन से। और पुदीने की चटनी है, हमने मेरठ में मुख्तलिफ नॉन वेज रेस्टोरेंट को कवर किया। चंगेज़ी चिकन मुझे पहली बार खाने को मिला है, बहुत प्रॉपरली कुक्ड है, सॉफ्ट है चिकन, जूसी है। पहले इसको इन्होंने तंदूर के अंदर रोस्ट किया है, उसके बाद इसको तवे के ऊपर टोमेटो ग्रेवी के साथ इसको कुक किया है, उमदा जायका है इसका। काफी सारा फ्रेश बटर है इसके अंदर। दाल मखनी टेस्ट करता हूं मैं बटर नान के साथ। इस बटर नान के साथ दाल मखनी का जायका लाजवाब है, बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस हैं और बहुत अच्छे से इसको काफी लंबे समय तक इसको कुक किया गया है, जिसकी वजह से प्रॉपरली मिक्स हो गई है। बटर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, इन क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन के बिना दाल मखनी हो ही नहीं सकती, बहुत उम्दा। ये जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट है पराठे को लेकर, तो इसमें इन्होंने कंप्लीट रेंज एक कंप्लीट कुजीन डेवलप किया है पराठे का, जिसके अंदर पराठे को ही इन्होंने एक डेजर्ट के तौर में तब्दील कर दिया है। तो मेरे सामने खोया कोकोनट पराठा है, मैं देखता हूँ एक डेजर्ट के तौर पर इस खोया कोकोनट पराठा का कैसा जायका है। देसी घी में इस पराठे को बनाया गया है, खोए की फिलिंग है इसके अंदर, ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट पाउडर इन्होंने इसमें डाला हुआ है। मिठास बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, माइल्ड स्वीटनेस है इसके अंदर, लेकिन जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है इस पूरे पराठे का वो बहुत ज़बरदस्त है। पराठा एक्सप्रेस के इन सारे जायकों में अगर मैं हासिल महफिल जायका तलाश करूँ तो वो पिज़्ज़ा पराठा नंबर एक पर, नंबर दो पर इनके तंदूरी मोमोज हैं और दाल मखनी। अगर आप मेरे शहर में रहते हैं, पराठा पसंद करते हैं या तंदूरी मोमोज खाने के आप शौकीन हैं, तो आप पराठा एक्सप्रेस आएँ, यहाँ के तंदूरी मोमोज आप टेस्ट करें, पराठे यहाँ के टेस्ट करें, बहुत सारी वैरायटी है पराठे की, आपको यकीन है उनके पराठे बहुत पसंद आएंगे, तंदूरी मोमोज भी आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए अब हम तलाश करते हैं मेरठ के कुछ और चटपटे मज़ेदार जायके। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा
व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को। आप देख रहे थे सफर जायके का नेटवर्क 15 पर मेरठ फूड ड्राइव।